हमारे इधर पलावा में नहीं, वैसे डोंबिवली के आउटस्कर्ट्स में पलावा पलावा लिखा इधर बहुत, इधर नीलजे है, पता नहीं क्या है, पलावा है नीलजे या डोंबिवली, में खुद कंफ्यूज हूँ। लेकिन नीलजे स्टॉप पे मैं उतरा था और इधर डोंबिवली के बाहर बाहर के साइड में मेरा भाई रहते, उधर हम आए थे और अभी हम लोग आए इधर एक्सपीरिया मॉल में। तो इस एक्सपीरिया मॉल कैसा है वो आज हम सुनेंगे एक अलग ही पात्र से, जो कि एक अलग ही अंदाज में हमको बताएंगे कि ये मॉल की कैसा है और क्या है, जो कि है हमारे छोटे भाई जिनका नाम है गारुडॉन। गारुडॉन आ जाइए। तो ये हमारे भाई है छोटे से गारुडॉन, तो इनके जबानी आज हम सुनेंगे कि कैसा मॉल है। बताइए गारुडॉन। ये जो मॉल देख रहे हैं आप लोग, ये पलावा का है और जिसने बनाया बहुत मेहनत से बहुत पैसे से बनाए, और आप जैसे देख रहे हैं ये नीचे स्टॉप है, नीचे स्टॉप में पलावा है। तो मतलब समझा आपको, नीचे स्टॉप में पलावा है और नीचे के अंदर डोंबिवली के अंदर पलावा है। आप वहाँ रहने हो जाएंगे तो वो एकदम सिटी के अंदर पूरा। समझा, ये है इसकी कहानी। कैसे लग रहे हैं, क्या देख रहे हो, क्या बना रहे हो? वीडियो बना रहा हूं। किसका वीडियो? आज माजन का और किसका? अच्छा, आप कौन हो उसके? नो, अरे हां, दैट्स माय ब्रदर, देखा, दैट्स माय ब्रदर ओनली। हमारे पास पैसे बहुत, पैसे की कमी नहीं है, ऐसा बहुत पैसे की नहीं, ऐसा खजाना छुपा के रखा है हमने। पलावा एक सिटी है, प्लांट सिटी है जो कि बनाई गई है, उसमें ये मॉल है बनाया हुआ, इसलिए इसको बोलते हैं एक्सपीरिया मॉल पलावा। ठीक है, ऐसा मतलब ये कोई ऐसा प्रॉपर स्टेशन नहीं है या फिर स्टॉप नहीं है, ऐसा नहीं है। इधर आवाज़ बहुत, आपको पता नहीं आवाज़ सुनाई दे रही होगी कि नहीं मेरी, लेकिन ऐसा है, ये नीलजे स्टेशन है, ये डोंबिवली के आउटस्कर्ट्स में नीलजे एक छोटा स्टेशन है। इधर उससे बाहर निकल के ही 10 मिनट में ये मॉल आपको मिलेगा, अगर आपको आना है तो आप उधर से आ सकते हैं।
वो ये इस स्टेशन और इस मॉल के पीछे का एड्रेस। पलावा का मॉल एक्सपीरिया एक्चुअली पलावा एक प्लांट सिटी है, जैसे नांदेड़ सिटी है वैसे पलावा सिटी है। उसमें जैसे नांदेड़ सिटी में एक मॉल है वैसे उसमें एक मॉल है, तो उसमें हम लोग गए थे। और हमारे अच्छे गाइड थे हमारे गारुडॉन, जो कि इधर बहुत बार आते रहते हैं और जो अभी थोड़े गुस्से में रहते, उनको बुड्ढी का बाल नहीं खिलाया है गुस्सा नहीं करने का, अपने दाँत दिखाने के। ठीक है, जो आज का ब्लॉग इधर ही खत्म करते हैं। गरुड़ों लाइक शेयर कमेंट थोड़ा बता दीजिए, घंटी जरूर बजाना। हाँ घंटी जरूर बजाना, गरुड़ों के लिए घंटी जरूर बजाना। अगली बार आएंगे तो बुड्ढी के बाल खा के जाएंगे। ठीक है, बाय बाय गरुड़।